बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन नसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते हैं, और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो है वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है, बाज दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहां पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता, एक जैनवन सी वो जी जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती जी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को लेता हूँ। ताकि वहां पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता था। न्याजी। लेकिन न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ और उसका कालम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको जी। तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इंबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिए और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना जी। अच्छा, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो दो बास्केट्स आई है ना जो अबू जान लाए अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राणा जवाद को भेजनी।